अब हम आगे देखेंगे अपना सीड सप्लाई। सीड सप्लाई में पहले तो हमें ये बेसिकली समझना होता है कि सीड सप्लाई हम करते क्यों हैं, यानी कि हमारे ऐसे क्या वर्क्स हैं जिनकी वजह से हमें सीड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इनमें अपने वैसे ही है कि जैसे कहीं अपन को एफोरेस्टेशन या रिफोरेस्टेशन वर्क करना है, कोई इस टाइप के प्रोटेक्शन या कंजप्शन वर्क वगैरह है, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्लांटेशन है, एवेन्यू प्लांटेशन है, ग्रीन हाईवे कॉरिडोर है, या फिर सपोज अभी जैसे कि कोरोना ये लॉकडाउन के बाद जो अभी हम इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है और सपोज चाइना से इंडस्ट्रीज अपने यहाँ मूव करती है, तो ये जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनके आसपास नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए उनके सराउंडिंग में कुछ मीटर की बेल्ट बनती है, ग्रीन बेल्ट बनती है। तो इस टाइप की बेल्ट बनाने के लिए जो हमें प्लांटेशन वर्क की जरूरत होती है, तो इसके लिए कहाँ से करोगे आप? कहीं ना कहीं या तो आप सीड से करोगे या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जो दूसरा मेथड रहता है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सीड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे इशू है जहाँ पर अपन को कहीं ना कहीं आपको प्लांट से सीड चाहिए ही पड़ते हैं। अब क्या चाहिए तो वो तो अपन चॉइस ऑफ स्पीसीज में अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पीसीज सेलेक्ट कर ली थी। अब यहाँ पर उसके जो सीड्स कलेक्शन है उससे रिलेटेड जो इश्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो अपना सीड सप्लाई है उसको बेसिकली अपन 6 पिलर में डिसाइड मीन्स डिवाइडेड कर लेते हैं, जिससे उनको थोड़ा आसान जाएगा। जैसे कि पहला जो मुद्दा है, जैसे कि अपने इससे पिछले में जो चॉइस ऑफ स्पीसीज है उसमें ऐसा मान लो कि हमने उसमें स्पीसीज सेलेक्ट कर ली और उसमें उस स्पीसीज के कुछ अच्छे जो पेड़ थे उन्हें हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अब ये पिलर जो है सीड सप्लाई का, इसमें हम पहला अपना काम रहेगा सीड कलेक्शन, मतलब हम किसी पर्टिकुलर प्लांट के पास जाएंगे और उससे जो सीड है उन्हें कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट कर लिया एक बार तो अपना सेकेंड स्टेप होता है इनके सीड जो कलेक्टेड सीड्स है इनको प्रोसेस करने का, क्योंकि जो कलेक्टेड सीड्स हैं उनके साथ बहुत सारे कंजर्न होते हैं, जैसे हमने जो किया था उसके साथ धूल मिट्टी वगैरह काफी ज्यादा आ जाती है, तो हम उसको प्रोसेस करते हैं और दूसरे भी इश्यू होते हैं पल्पिंग पल्प वगैरह निकालने का, तो उसे हमने यहाँ प्रोसेस कर लिया जैसे कि छानने। इसके बाद प्रोसेस करने के बाद हम क्या कर देते हैं, उन्हें स्टोर कर देते हैं। स्टोर के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जैसे बहुत सारे प्लांट्स है जिनमें ये जो अपना गुड सीड ईयर है वो 8 साल या 10 साल बाद आ रहा है, तो अपन हर साल तो अपना बैग पकड़ के भिखारियों की तरह जंगल में नहीं घूमेंगे कि भाई पेड़ दे सीड दे दो सीड दे दो। तो क्या है कि अपन इकट्ठा करके रखेंगे जिससे अगले 8-10 दिन 8-10 या जो अपने ईयर्स है वो काम चल जाए। तो इस टाइप से जो अपने जो स्टोरेज वर्क है मीन स्टोरेज का आपको रिलेटेड है, तो यहाँ पर स्टोरेज और उससे रिलेटेड कंसर्न को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपना आएगा उनको ट्रीटमेंट का, क्योंकि सीड को अब हम क्या करोगे स्टोरेज से निकाल करके उन्हें अपन ग्राउंड में जैसे सपोज स्प्रे कर रहे हैं स्प्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें उन्हें एक टाइप के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने सीड्स को डायरेक्ट ऐसे स्प्रेड कर दिया तो जैसे ये सीड ग्राउंड पे जाएंगे आप तो स्प्रेड करके चले गए, मीन्स चौपन जैसे नॉर्मल आदमी जो छिड़क देता है हाथ से, तो इस टाइप से स्प्रेड करके आप चले गए। इसके बाद जो जंगली जानवर है उसे बीन करके खा जाएंगे पूरे, जो बर्ड्स वगैरह, तो आप सीड को इस टाइप से ट्रीट करते हैं कि ये जो बर्ड्स या इंसेक्ट फंजाई जो अटैक कर रहे हैं इनका अटैक उस पर रोका जा सके या उनका इम्प्रूव किया जा सके। दूसरा, ये सीड वहां जब ग्रो होगा तो इसको कोई फर्टिलिटी सॉइल में, तो ज्यादातर जंगल की सॉइल पहले से पूर्व फर्टाइल होती है, तो इसको कुछ न्यूट्रिएंट साथ लेके जाए। दूसरा, स्प्रेड करते समय थोड़ा आसानी हो, तो इस टाइप से इसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न है उसे करेंगे और लास्ट में अपना जो चैप्टर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे एक्चुअल में सीड टेस्टिंग। ये जो सीड सर्टिफिकेशन है इसे यहाँ पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि 4-4 बार पढ़ के कोई फायदा है नहीं। सीड सर्टिफिकेशन में एक सिंपल सा जो एग्रीकल्चर वालों का आता है फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड वगैरह, तो ये जो है उनके सीड और उसके टैग वगैरह वो भी बाद में डिस्कस करेंगे जब उसका कंसर्न मैटर आएगा टॉपिक आएगा। तो यहाँ पर सीड सर्टिफिकेशन के पार्ट थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे, रिमेनिंग यहाँ पर सीड टेस्टिंग का अपना पूरा टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर पहले चलते हैं अपने पहले मुद्दे पर, वो है अपना सीड कलेक्शन। देखो कहीं किसी भी पेड़ से अगर हम सीड कलेक्ट करना होता है या इस टाइप की हम प्रो कर रहे हैं, तो देखो एक तो मुद्दा होता है कि हमारे कलेक्शन के मेथड क्या है, लेकिन मेथड से भी पहले पहले हमें कुछ और भी चीजें चाहिए होती है, जैसे कि हम जो जिस स्पीसीज से कर रहे हैं वो प्लांट कौन सा है, मतलब ट्री कौन सा है, वो ट्री सही है या नहीं है। दूसरा, हमें कितनी चीज कितने सीड की जरूरत है, हमें कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि हमारे प्लांटेशन वर्क में हर साल कितने कितने बोरा जो सीड्स है वो रिक्वायर है, तो उस हिसाब से हम 8-10 साल की जो भी प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से कर सके। तीसरा, हमें कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए,
ये किस टाइप के पेड़ से कलेक्ट करना चाहिए, किसका टाइप के इस पेड़ से नहीं करना चाहिए, और फिर हमें ऐसे क्या कलेक्शन के मेथड है जिनसे करना चाहिए। तो सीड कलेक्शन तो एक सिंपल सी चीज है, लेकिन उससे जो रिलेटेड एक्सपेक्ट है वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन है अपने वो यहीं से आएंगे। तो इसमें जैसे पहला आता है चॉइस ऑफ स्पीसीज एंड ट्रीज, इसकी बात की जाए तो जैसे ये ट्रीज की है, तो इसमें अपन इसका एक टेस्ट ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोवेनेंस टेस्ट या प्रोवेनेंस ट्रायल। ये प्रोवेनेंस का मतलब होता है इसका ओरिजिन प्लेस, मदर ऑफ ओरिजिन, मींस इसे बोलते हैं ओरिजिन प्लेस, मींस इसमें ये टेस्ट किया जाता है। ये क्या प्रोवेनेंस टेस्ट, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन इसमें होगा अपने ट्रीज प्रोवेनेंस पे। यहाँ अपन ये देख लेते हैं कि जैसे एक्चुअली हमें ये नहीं मालूम होता कौन सा प्लांट कहाँ का है। तो अगर सपोज आप अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर आपके पास 15-20 टाइप के 15-20 जगह के जैसे बबूल के पेड़ है, तो आप ये देखोगे कि कौन सा बबूल का पेड़ का ओरिजिन कहाँ से है, मीन्स उसका ओरिजिन कोई एमपी का है, कोई यूपी का है, कोई महाराष्ट्र का है। तो उनकी जो ओरिजिनल प्लेस प्लेस है उसे ट्रेस किया जाता है इसमें, जिससे हम उसकी जीनोटाइप को और बेटर समझ सके। तो उसको ट्रायल बोलते हैं, वो जो टेस्ट है वो ट्रायल जो है उसे बोलते हैं प्रोवेनेंस ट्रायल, ए प्रोवेनेंस टेस्ट। इसके बाद मुद्दा आता है अपना सीड क्वांटिटी का। आपने प्रोवेनेंस तो जान ली, अब अपना मुद्दा ये है कि ठीक है हमें ये सिलेक्ट कर लिया, इसका प्रोवेनेंस, इसका खानदान जो है बहुत अच्छा है, ये पेड़ मेरे लिए बढ़िया है। अब अपना सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि अपन को कितना सीड चाहिए। तो सीड कितना रिक्वायर है, इसका बहुत लंबा चौड़ा चलता रहता है कि कितना रिक्वायर है, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कई बार पूछा भी जा चुका है, उन्होंने सीधा सीधा कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि ये मुझे मुझे तो याद होता नहीं है, तो मैंने एक सिंपल सा कर रखा है। यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर लिख रहा है अदनान स्वामी, जो सिंगर है अदनान स्वामी, और नीचे लिख रहा है सोनू निगम ग्रांड मास्टर। बस इस करके काम चला लेता, अदनान स्वामी बटे सोनू निगम ग्रांड मास्टर। अब यहाँ पर खुद भी थोड़ा समझ सकते हो, देखो अदनान स्वामी है, दो वर्ड का है तो ऊपर है, चार वर्ड का है तो नीचे है। बस इतना से याद रख लो कि भाई एडी ऊपर है, SMGM नीचे है। फिर इसकी एक बार जब पढ़ लेते हो कि किस सेंटेंस या किस जो शब्द है उसका क्या मतलब है वर्ड का, तो एक बार पढ़ने के बाद एवरेज दिमाग में रहता है ये है क्या। यूजुअली सीधा सीधा उन्होंने ये एडी अपॉन SMGM फॉर्मूला ही पूछ रखा है, खासकर ICAR JRF के एग्जाम में काफी अच्छे आए हैं क्वेश्चन, JRF SRF जो है नेट के उनमें आए हैं क्वेश्चन। तो सीड क्वांटिटीज है, इससे ये निकाल लिए कि मान चलो अपन को 20 क्विंटल सीड्स की जरूरत है। अब मुद्दा है कि टाइम ऑफ सीड कलेक्शन, ऐसा पता नहीं कि आपको जब इच्छा हुई तब आप उठ के सीधे चले गए, तो उसका भी एक कोई पर्टिकुलर टाइम होगा तभी आप कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर एक आपको भी एज ग्रुप होता है। ऐसा नहीं कि हर पेड़ से आपने कर लिया, जो भी आपने वो 4-5 जो पेड़ फाइनल कर लिए, ऐसा भी नहीं कि हर पेड़ से आप कर लोगे, वो कलेक्ट करने का भी आपने वो पेड़ को डिसाइड करने के भी कुछ क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर जनरली आप जो सीड कलेक्ट करते हैं वो आप लोग करते हैं गुड सीड ईयर, किस सर गुड सीड ईयर में साल बहुत अच्छे हो। अब कभी कभी आपको जो क्वेश्चन है, यूजुअली तो गुड सीड ईयर टर्म सीधे दे दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया है जिसमें गुड सीड ईयर टर्म ही नहीं है। यहाँ पर है सीडलिंग ईयर, सीड ईयर, बोथ और नन। तो ये लगता है एकदम दिमाग में कि चलो कोई बात नहीं, देखो सीडलिंग ईयर का तो कोई मुद्दा नहीं है। सीडलिंग क्या होता है, जो सीड को जर्मिनेट करके जो सीडलिंग बनता है वो, और सीडलिंग ईयर इसका मतलब ये इस शब्द का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, दुख ही नहीं। दूसरा मुद्दा आता है सीड ईयर। अब सीड ईयर क्या है भाई, सीड का वो साल जिसमें सीड बनते हैं। तो ये तो ऐसा भी स्पीसीज हो सकती है, कोई स्पीसीज जो 4 साल बाद या 6 साल बाद ही सीड प्रोड्यूस करती है, या बम्बू है जो 25 साल बाद करता है तो उसका वो सीड ईयर हो गया। तो गुड सीड ईयर और सीड ईयर एक अलग, सीड ईयर बिल्कुल डिफरेंट सेंस है कंपेयर टू गुड सीड ईयर्स है, क्योंकि यार सीड ईयर जैसे मैंने बोला कि बम्बू है, उसमें सीड ईयर 25 साल बाद या 30 साल बाद आ रहा है सपोज किसी स्पीसीज में, और इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। कोई स्पीसीज है जिसमें 2 साल बाद या 4 साल बाद फ्लावरिंग आती है, उसमें हर साल फ्लावरिंग नहीं आती, मतलब हर साल साल नहीं आती, तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये उसका सीड ईयर है, ये सीड ईयर नहीं है। दूसरा जो एनुअल फ्लावरिंग वाले हैं इनमें खासकर ये चलता है गुड सीड ईयर वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ सीड ईयर इस टाइप के क्वेश्चन में आपने सीड ईयर लगा दिया और निकल लिए, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि इन्होंने नन भी दे रखा है। अगर इन्होंने आंसर में नन नहीं दिया है तब आप इसे सीड ईयर लगा सकते हो, नहीं दिया है तो फिर अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है, नन है सीधा। तो गुड सीड ईयर नहीं मिला तो नहीं मिला। इसके साथ यहाँ पर अपन ये भी देखेंगे कि ये जैसे जो आपसे बोला कि टाइम ऑफ सीड कलेक्शन,
हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि हम किस टाइप के पेड़ से क्लैप करेंगे। यूजुअली हम जो क्लैप करते हैं वो हम मिडिल एज की से करते हैं, यानी कि जो अपना यंग जो ट्री है, बिल्कुल यंग जो है एडल्ट से करेंगे, बिल्कुल यंग होगा। ये जो बिल्कुल मैच्योर ट्री होगा उससे नहीं करते, क्योंकि यंग का जो जीनोटाइप है वो अभी एक्सप्रेस नहीं हुआ है, वो अभी एक्सप्रेशन की फेज में है, वो डेवलप में ही लगा है, पूरी एनर्जी तो उसकी डेवलपमेंट में कंज्यूम हो रही है, अभी तो वो डेवलप हो रहा है। जब वो एक बार उसकी एनर्जी अपने हाइट और डायमीटर को मिस हो जाएगी, तब वो अपने जीनोटाइप के एक्सप्रेशन पे वर्क करेगा। तो इस टाइप के जो यंग्स है उनका भी जीनोटाइप प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हुआ है। दूसरा जो मैच्योर है या ओवर मैच्योर है ट्री, इनका जीनोटाइप जो होना था वो तो हो चुका, अभी ये इनके जीनोटाइप लगभग बूढ़ा हो चुका है और ये पुराना जीनोटाइप हो चुका है इनका, ये भी इतना बेटर इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए हम यूजुअली जो करते हैं वो मिडिल का करते हैं। दूसरी बात, ये जो जर्मिनेशन एनर्जी वगैरह है, जर्मिनेशन कैपेसिटी वगैरह है, तो ये जो मैच्योरिटीज है इनकी वो कम हो जाती है। मतलब आपने जैसे यंग ट्री यानी कि बीच के एज का ले लिया, तो 100 सीड में जहाँ बीच के एज के 90 सीड जर्मिनेट हो रहा है, वही मैच्योर वालों के सपोज 50% ही जर्मिनेट हो पा रहा है। तो ये फर्क होता है, इस वजह से हम यूजुअली ट्राई करते हैं कि मिडिल एज वालों का सीड कलेक्ट करें। इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि ऐसा नहीं कि किसी भी पेड़ का ले लें, क्योंकि हम जो सीड प्लांट प्रोड्यूस करेंगे वो प्लांट भी हम सही हो, मीन्स जीनोटाइपिकली यानी कि फिनोटाइपिकली वो सुपीरियर हो। तो जो पेड़ पहले से ही मान चलो फॉर्क है, मतलब डिजीज और इन्फेक्टेड प्लांट है, जिस प्लांट की खुद की औकात नहीं है कि उस वो जो इंसेक्ट या पेस्ट अटैक है उससे अपने आप को बचा पाए, तो उसकी जनरेशन भी वैसी ही होगी। तो कौन ऐसा चाहेगा कि जो खुद डिजीज सेंसिटिव है उसकी जनरेशन भी डिजीज सेंसिटिव हो, और हम प्लांटेशन करते हैं और अपने 10 साल बाद कोई अटैक पड़े और खत्म हो जाए। तो हम इस टाइप के पेड़ों को नहीं लेते हैं, हम लेंगे ऐसे पेड़ों का जीनोटाइप जो डिजीज या इंसेक्ट अटैक से थोड़ी रेजिस्टेंस शो करते हो। दूसरा ये है, इनकी पूर परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्म हो उसी के हिसाब से, मीन्स उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो हमारे कैरेक्टर जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग होगा, तभी हम उसे सिलेक्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पर ये एक मुद्दा है कि हम वोल्फ ट्री को नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे ये ट्री है ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड चीज है। वोल्फ ट्री में क्या होता है कि जैसे ये एक अपना पेड़ है, इसका जो क्राउन है वो अपनी साइड तो बढ़ता है, वो थोड़ा साइड में बढ़ जाता है, और ये क्या करता है कि जो साइड के पेड़ है उनकी भी ग्रोथ को रिटार्ट करता है। अब इसके साथ दिक्कत ये है कि जब इसका क्राउन इस साइड ज्यादा बढ़ता है तो उसके रिजल्ट में यहाँ पर वुड में फर्क आता है, क्योंकि तो इसको इधर के वेट को, जो इधर वेट पड़ रहा है, इसके वेट को हैंडल करने के लिए इसको इधर कुछ ना कुछ ब्रांचिंग करनी पड़ती है, जिससे उसकी जो स्टेम है उसमें थोड़ी डिफॉर्मिटी डिफॉर्मेलिटीज आ जाती है। हम यूजुअली यही करेंगे कि हम इस टाइप के ट्रीज को ना लें, बोल्ट ट्रीज से सीड कलेक्ट ना करें, और जो हम करेंगे वो हम डोमिनेंट या कोडोमिनेंट क्लासेस को करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम जिन 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 ट्री स्पीसीज के सीड कलेक्ट करेंगे, जिन ट्रीज से हम सीड कलेक्ट करेंगे वो डोमिनेंट या कोडोमिनेंट को, मतलब हायर डोमिनेंस शो कर रहे हो और डिजीज बेस्ड रेजिस्टेंस हो, उनकी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छी हो, और डिजीज रेजिस्टेंस इस टाइप की चीजों में थोड़ा रेजिस्टेंस हो करे और मिडिल एज का। अब यहाँ पर अपना मुद्दा ये जो था कि सीड कलेक्शन वो अपना हो गया, अब मुद्दा ये होता है कि अपने मेथड ऑफ सीड कलेक्ट क्या है, कि किस हिसाब से अपन सीड कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेथड की बात की जाए तो यहाँ बेसिकली अपने पास 3 मेथड है। पहला तो मेथड ये होता है कि आप जंगल में जाओ, यानी कि या जो भी पेड़ है उसके नीचे जाओ और नीचे से सीडों को झाड़ फूक करके सीड कलेक्ट करके ले आओ। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो कि यहाँ पर नीचे चादर सी बिछा देते हैं और कुछ टाइम बाद हम उसे उठा ले आते हैं, तो 2 4 दिन वो बिछी रहे नीचे जमीन पे, तो सीडों से जो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन बिछाई थी उस पर गिर जाते हैं। तो इस टाइप के जो फॉलन फ्रूट है हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं, सबसे इजीएस्ट मेथड है। लेकिन इसके साथ इशू क्या है कि यहाँ पर जो आपको फ्रूट मिलते हैं वो यूजुअली आपको मैच्योर या ओवर मैच्योर ही फ्रूट मिलते हैं, क्योंकि वो जब टपक जाता है, मीन्स पकने के बाद टपकता है, तभी मिल पाता है आपको। यहाँ पर एक चांसेस ये और बनी रहती है कि वो जो टपका है उस पर रोडेंट कीड़े मकोड़ों ने अटैक कर दी। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ जो आपको अनसाउंड जो फ्रूट्स है उनके कलेक्ट करने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी नहीं पता पड़ता कि जिस पेड़ के नीचे आपने कलेक्ट की है वो फ्रूट वास्तव में उसी पेड़ के हैं, किसी दूसरे के तो नहीं आ गए, क्योंकि इधर उधर की हवा तेज चली तो ये भी आ जाती है। और इस टाइप और एक बात और है कि आपने देखा होगा कई बार के सपोज तेज हवा चली गई तो वहाँ मैच्योर के साथ साथ इमेच्योर फ्रूट भी टपक जाते हैं नीचे। तो इस टाइप से चांसेस बनी रहती है कि इमेच्योर फ्रूट भी कलेक्टेड हो जाए, अनसाउंड फ्रूट और मदर ट्री का पता नहीं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम नीचे बेस ग्राउंड से जो कलेक्ट करते हैं उनके साथ कंजर्न है। तो
तो इसका एक दूसरा तरीका ये होता है कि भाई हम एक काम करेंगे, पेड़ के पास ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ जाएंगे और हम जाकर के क्राउन से केवल मैच्योर मैच्योर जो हमारे हैं उन्हें लेंगे, और मैच्योर भी नहीं होंगे वो मैच्योर होंगे और सही वाले होंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि स्टैंडिंग ट्री पे तुम चढ़ जाओ, लेकिन दिक्कत इसके साथ ये है कि जो हमारे यूजुअली ट्रीज होते हैं जंगल में वो है अपने 20 से 30 मीटर की हाइट में। अब 20 से 30 मीटर की हाइट को इतनी बड़ी सीढ़ी लगा कर घने जंगल में वहां पर पेड़ पे चढ़ना वो अपने आप में दुश्मनी है। अगर कहीं थोड़े फिसल गए तो फिर सीट गया यहाँ पर, फिर वही राम नाम सत्य बोलते हुए नीचे एक डिपार्टमेंट निकलेगा। तो ये एक इशू है गिरने का, तो एक कैजुअलिटी भी हो जाती है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि ये स्टंट वाले को ज्यादा हम प्रेफर नहीं करते। तीसरा मुद्दा होता है कि भाई एक काम करो, कौन ऊपर चढ़े जिस जिससे करना है पेड़ को ही उड़ा दो, उसे कट कर दिया, कट करके गिरा देंगे पेड़, या फिर ब्रांच है उसे कट करके गिरा देंगे और फिर उसे हम सीड कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन क्योंकि पेड़ को कट करना तो पॉसिबल आज के टाइम पे है नहीं, वो पहले ही अपने लॉ बहुत सारे हैं, तो अगर इसने कट कर दिया तो इसको हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बाहर फेंक देंगे। तो ये चल रहा है, तो अब इसमें हम यूजुअली ये मेथड कर लेते हैं कि यूजुअली जो कटिंग चल रही होती है, कटिंग ऑपरेशन जो होती है वो भी ये यंग मींस मिडिल एज वालों की ही हो रही होती है। तो हम उसी टाइम पे अपना सीड कलेक्शन और कटिंग को एक साथ एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं। अगर उसी टाइम पे उनमें सीड है और कटिंग ऑपरेशन चल रहा है तो हम कटिंग वालों के साथ साथ जब पेड़ काट देते हैं तो हम वहां पर अपना बैग लेके पहुंच जाते हैं, भाई सीड यहाँ से सीड तोड़ दे दो। तो इस टाइप से जो अपना मेथड ऑफ सीड कलेक्शन है वो अपना यहाँ हो गया। अब इस पर छोटी सी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद अपने प्रोसेसिंग पे चलेंगे। तो यहाँ पर है सीड प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन, कि सीड प्रोडक्शन है वो किस बात पर डिपेंड करता है। बस सही है कि देखो, एक तो मैंने आपसे बोला कि एज पे अपन यंग या मैच्योर को, ओल्ड एज को ना लेकर के बीच वाली एज को पकड़ रहा है। दूसरा है क्राउन साइज, बात सही है, पेड़ जितना बड़ा ज्यादा क्राउन होगा, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज्यादा उसमें फ्रूटिंग होगी, मीन्स उतना ज्यादा सीड प्रोडक्शन होगा। और रही बात स्पीसीज की, तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है। कुछ स्पीसीज है जिनके सीड छोटे होते हैं और वो बहुत ज्यादा मात्रा में सीड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ स्पीसीज है जो मीन्स सीड बड़े प्रोड्यूस करती है और कम मात्रा में करती है। तो इस टाइप से जो स्पीसीज वाइज सीड प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अपना जो सीड प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन, तो इसका आंसर जो अपना आएगा वो आ जाएगा अपना ऑल ऑफ द अबव। अब अगर अपना एक बार सीड सप्लाई वाला मुद्दा हो गया, तो ये इसका सीड करेक्शन का हो गया, तो अपना अगला मुद्दा आ जाएगा सीड प्रोसेसिंग का। सीड प्रोसेसिंग में अपन क्या करना होता है कि एक्चुअल में जो अपने सीड कलेक्ट किए हैं इनके साथ इशू क्या होता है कि जो अपने कलेक्ट किए हैं उसमें बहुत सारी धूल धक्कड़ दुनिया भर की चीजें आ चुकी होती है, कई बार उसमें इमेच्योर फ्रूट आ जाते हैं। दूसरा, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, जिससे वो हवा से एनिमल चोरी होती है उनके, या फिर वो पल्पी होते हैं जैसे कि मैंगो है अपना आम की तरह। तो ऐसे फ्रूट को आप लंबे टाइम तक या कम एरिया में स्टोर करना है तो उन्हें अपन को प्रोसेस करना होता है। तो पहला तो अपने प्रोसेसिंग जो बहुत कॉमन सी है वो है क्लीनिंग। क्लीनिंग में क्या, अपन को ना जो धूल लकड़ वगैरह है उसे निकाल देंगे, जो लकड़ियां वगैरह आ गई हैं उनको निकाल देते हैं। तो इस टाइप की, क्योंकि ये जो सीड कलेक्शन वर्क है ये यूजुअली लेबर फोर्स ही करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और फिर लेबर को कोई लेना देना नहीं होता, तुम्हारी पॉलिसी गई एक तरफ, उसको बस काम हो जाना चाहिए, तुम बस सीड कलेक्ट की बोला तो उसे जो दिखता है वो कर देता है, इस टाइप का होता है। तो ये इशू होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम उसको क्लीनिंग वगैरह में करना पड़ता है। अब इसके बाद क्लीनिंग के बाद भी आपको पता पड़ेगा कि यहाँ बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार अपने पास जो मैंगो है या बनाना है जो पका नहीं है, तो अपन लोग गाँव में क्या कर देते हैं कि उसे भूसा वगैरह में रख देते हैं या फिर उसमें केमिकल वगैरह डाल देते हैं। इसी टाइप की यहाँ पर जो सीड्स हैं जो मैच्योर नहीं है अभी, लेकिन जीनोटाइप तो अच्छा है, तो हम उन्हें क्या कर देंगे किसी स्पेसिफिक स्टोरेज चैम्बर जो होते हैं उनमें उन्हें रख देते हैं, जिससे क्या होगा कि उनमें जो मैच्योरिटी जो हमें चाहिए था वो राइपनिंग के लिए हमने रख दिया, तो 6-7 दिन उसमें रखे रहेंगे तो जो राइपनिंग है वो हो जाएगी, तो इस टाइप से वो पक जाएगी। तीसरा ये मुद्दा होता है कि जैसे मैंगो जैसे फ्रूट्स हैं इनको हमें करनी होती है डी पल्पिंग। डी पल्पिंग मतलब क्या है, अगर मैंगो जैसे फ्रूट्स को आपने कुछ लंबे टाइम तक ऐसे रख दोगे, तो मैंगो यहाँ पर पहले तो फ्रूट बना लेते हैं, जैसे ये फ्रूट्स ही है, तो इसमें ये जो इसका पल्प है, अगर आप इस फ्रूट को इस टाइप के जो पल्पी फ्रूट्स है उन्हें ऐसे ही रख दोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद इसका जो पल्प है वो सड़ने लगेगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो जो कीड़े पड़ेंगे वो अपने जो मेन फ्रूट है जो अपन को सीड स्टोर करना है उसको भी बर्बाद कर देंगे। तो यार डी पल्पिंग में जो क्या करते हैं, जो इसका पल्प है मतलब ये है, बाद में ये पल्प बन जाएगा, तो इसका जो पल्प है उसे हटा देते हैं, जिससे अपना अगर सॉलिड सीड बचा रहेगा उसे ड्राई कर लेंगे तो उसे स्टोर करना आसान है। दूसरा, वो पल्प जो सड़ेगा बदबू फैलेगा वो भी खत्म हो जाती है अपनी। इसके साथ एक मुद्दा आता है वो है डी विंगिंग। ये देखो, जैसे ये है अर्जुना, टर्मिनलिया अर्जुना की सीड है,
तो ये टर्मिनली अर्जुना के साथ क्या होता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे विंग वालों के साथ क्या होता है कि इनकी जो चीज है, इसकी ये आपको जो स्लाइड से दिख रहे हैं इस टाइप के खड़ी खड़ी, तो ये जो विंग्स है ये एनिमोचोरी यानी कि हवा से स्प्लिट करने में, सीड को स्प्लिट करने में काफी आसान जाते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि इसका सीड का जो साइज है वो उसके ओरिजिनल साइज से ऑलमोस्ट 3 या 4 टाइम ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर ऐसे हमने सीड को किसी गनी बैग में स्टोर किया, किसी बोरे में भरा, तो कम सीड आ पाते हैं और इनको प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में मीन्स वॉल्यूम नंबर ऑफ सीड कम होते हैं, इसका साइज बढ़ जाता है। तो हम इसकी जो विंग्स हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। इसका हमें बेनिफिट ये होता है कि हम चाहे ना सीड ट्रीटमेंट कोई दे रहे हो या फिर इस टाइप का स्टोरेज वगैरह कोई प्रोसेसिंग वगैरह करनी हो, तो ये थोड़ी आसान हो जाती है और स्पेस कम खाते हैं। तो हम यहाँ पर इनको करते हैं डी विंगिंग, यानी कि इनके जो पंख है उन्हें हटा देते हैं, उसमें मशीन होती है तो रगड़ देती है इनके पंख आउटर कवर को। तो इस टाइप से हम करते हैं डी विंगिंग। ये जो डी पल्पिंग है, डी विंगिंग है, ये जो शब्द है इनको शब्द को याद रखना है आपको। इसके बाद एक मुद्दा होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का क्या होता है कि देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो सीड कलेक्ट की है उनको उनकी साइज के हिसाब से वो ग्रेडिंग कर देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सपोज आपको गवर्नमेंट का पता है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज है उसमें ये पूरा पूरा कॉमर्शियलाइज है, प्राइवेट फॉरेस्ट भी है। तो वहाँ पर सीड जो है, जैसे कि आपको मार्केट में वेजिटेबल के हैं, एग्रीकल्चर के जो सीड्स मिलते हैं, उसी टाइप के आपको फॉरेस्ट्री के भी सीड मिलते हैं और उनके ग्रेडिंग के हिसाब से उनके प्राइजेस होते हैं। तो इस टाइप से जो सीड कलेक्ट की उनकी ग्रेडिंग की जाती है। दूसरी ग्रेडिंग इस बात में भी आपको हेल्प करती है कि जो आपका सीड है वो उसकी कितनी चांसेस है सक्सेस होने की। क्योंकि अगर बेटर क्वालिटी का सीड है तो बेटर ग्रेडिंग का सीड है तो इसका मतलब है कि उसके चांसेस ज्यादा है कि उसे लगा दिया तो उससे पेड़ जर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद अपन चलेंगे स्टोरेज पे। क्वेश्चन ये है, मेथड ऑफ सीड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम फ्लाइजी फ्रूट क्या है? फ्लाइजी फ्रूट यानी कि जैसे मैंगो है, उससे सीड को एक्सट्रैक्ट करने को क्या बोलते हैं? तो उसका जो पल्प उसे रिमूव कर देते हैं। तो अपना क्या होता है, इसे इसे बोलते हैं डी पल्पिंग, अपना ये आंसर है। अब अपना मुद्दा आ जाता है अपने थर्ड पिलर पर, वो आता है अपना सीड स्टोरेज। स्टोरेज क्यों करना है वो आपको बात तो यूजुअली समझ में आती है, क्योंकि हम गुड सीड ईयर में यानी कि सीड कलेक्ट जो करते हैं वो किसी स्पेसिफिक सीजन में ही करते हैं या 8-10 साल में, जब जब गुड सीड ईयर होता है तभी करते हैं। लेकिन जो हमारे जो फील्ड वर्क है या लेबोरेटरी वर्क है या नर्सरी वर्क है वो 2 साल बाद चलते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ना स्टोरेज करना पड़ता है। दूसरा इसके साथ एक इशू और है जो सीड स्टोरेज है। कोई भी प्लांट को हम स्टोरेज करते हैं, जैसे कि ये एक सीड है, आपको मैंने बताया कि सीड के बाहर का है टेस्टा यानी कि कॉटिलेडन है, वो बाहर की लेयर है टेस्टा है, ये सीड कोट है यानी कि कॉटिलेडन है, और यहाँ पर है इसका एम्ब्रियो। चलो इसे ले लो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो हमेशा जिंदा होता है, और जिंदा है तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन श्वसन करेगा। जैसे हम सो गए, सोने के बाद भी हम सांस ले रहे हैं, वैसे ये सीड है वो रेस्पिरेशन करता ही रहता है। क्या करता है ये, इसको याद रखना, ये क्या कर रहा है, ये रेस्पिरेशन कर रहा है। इसका जो रेस्पायरेशन है, अब आप इसे ऐसे समझो कि एक नॉर्मल सीड है, मान के चलो कैजुराइना है, कैजुराइना का जो सीड है उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये जो रेस्पिरेशन है वो उसका 1 से 2 वीक तक कर सकता है। इसका मतलब है कि 1 से 2 वीक तक ही इसका सीड जिंदा रहता है, इसके बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और ये सीड की डेथ हो जाती है। तो अगर हमें स्टोरेज करना है, इसका स्टोरेज बढ़ाना है, यानी कि अगर सपोज इसके सीड को हमें 10 साल रखना है, तो हमें इसके जो बेसिक फैक्टर है वो उन्हें कम करना पड़ेगा। मतलब रेस्पिरेशन की रेट को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जो स्टोरेज किया जाता है उसका बेसिक एम ही रेस्पिरेशन रेट को कम करना होता है। अब ये क्या कैसे कम किया जा सकता है, तो इसके पीछे अपन बेसिकली समझेगा, कोई भी जो सीड होता है उसको बेसिकली 3 चीजें रिक्वायर होती है। अपन जैसे बोलते हैं हवा, पानी और टेम्परेचर, यानी कि ऑक्सीजन, दूसरा मॉइस्चर और तीसरा टेम्परेचर। किसी भी चीज को ये 3 चीजें बेसिक होती हैं सीड के लिए। बस अपना जो गेम है वो यही 3 चीजों पर चलता है। उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसे कम कर देंगे, मॉइस्चर लेवल है जो उसकी सीड के अंदर की मॉइस्चर उसे हम रिमूव कर लेंगे, उसे हटा लेंगे, जो एक्सिस है उसे हटा लेंगे, जो है उसमें से भी कुछ कमी करेंगे, और तीसरा टेम्परेचर कर देंगे डाउन। तो सपोज ये जो सीड था, इसका जो एम्ब्रियो था, इसको सपोज पहले ये कंज्यूम करता था 10 कैलोरी, 10 कैलोरी एनर्जी पर डे, 10 दिन ये सर्वाइव कर सकता था, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी थी वो यहाँ पर सपोज थी 100 कैलोरी की, ये इसके पास स्टोरेज था, 10 कैलोरी एक दिन करता था ये, तो ये अपना 10 डेज सर्वाइव कर सकता था। अब अगर रेस्पिरेशन रेट जो है वो उसे आपने रिड्यूस करके कर दिया 2 कैलोरी, तो क्या हो जाएगा, 100 कैलोरी या 2 कैलोरी कर दी, तो अब कितना हो जाएगा, ये
15 डेज तक आप इसे सरवाइव किया जा सकता है। तो इस टाइप से हम उसकी स्टोरेज से उसकी जो लाइफ है उसे बढ़ा लेते हैं, किससे, रेस्पिरेशन रेट को रिड्यूस करके। लेकिन यहाँ पर जब हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, या तो टेम्परेचर कर रहे हैं मॉइस्चर, तो यहाँ पर सीड के साथ दो मुद्दे आते हैं। कौन सी वाली, जब हम उनके टेम्परेचर और मॉइस्चर को हटाते हैं और टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो यहाँ बेसिकली सीड दो टाइप के आते हैं। एक एक को हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स और दूसरे को बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। इनके साथ इशू ये है कि ऑर्थोडॉक्स मतलब इस टाइप के लोग जो बोलते हैं ये तो ऑर्थोडॉक्स है, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए वो जैसे है वो वैसे ही रहेंगे, मतलब चाहे आप इन्हें कितने भी लो टेम्परेचर पे कर दो, लो टेम्परेचर पे आप इन्हें पहुंचा दो, इनकी मॉइस्चर को भी आप 5% तक हटा लो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिंदा है जिंदा रहेंगी, और जैसे ही आप बाहर निकाल के ना लगा दो कि जर्मिनेट कर जाएंगे। तो ऑर्थोडॉक्स सीड को मतलब ऐसे सीड जो इतने डॉक्स में है, इतने पैराडॉक्स में घुस रखे हैं कि आप चाहे उनके टेम्परेचर डाउन टेम्परेचर में रख दो, चाहे उनकी मॉइस्चर कम कर दो, लेकिन वो फिर भी जर्मिनेट कर जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें बोलते हैं हम ऑर्थोडॉक्स सीड। और इसमें आते हैं अपने अकेशिया अल्वीजियो और प्रोस्पिसियो, अपनी आप गवर्नमेंट है वो ऑर्थोडॉक्स सीड में आ जाती है। इसके साथ दूसरे है, इन्हें बोलते हैं रिकल्सिट्रेंट। तो यूजुअली जो ऑर्थोडॉक्स हैं, इसमें अपनी जो मिमोसिस यानी कि जो अपने राजस्थान में होने वाले हैं, अकेसिया अल्वीजिया प्रोसोपिस वाले हैं, तो आप वाले आते हैं जिनका आपने देखा होगा कि जो सीड है, सीड जो है वो पहले से काफी ड्राई होता है और उसके बाहर का जो कोट होता है वो काफी ज्यादा होता है, जो स्क्लेरिकामा है उसका बना होता है इसका सीड कोट, तो सीड काफी हार्ड होता है। दूसरे जो रिकल्सिट्रेंट सीड है, ये इस टाइप के सीड होते हैं जिनको सीड के साथ बहुत सारा पल्प आता है, जब सीड मैच्योर होता है तो उसके साथ बहुत सारा पल्प अपने आप आता है। इसमें जैसे अपना आपने नीम देखा होगा, नीम का जब फ्रूट पकेगा तो उसके साथ बहुत बड़ा पल्प आएगा, जामुन आएगा, साल साल है, डाइप्टेरोकार्पस है, तो इनके साथ बहुत सारा पल्प होता है इनके साथ, तो इन्हें यूजुअली पल्प है, इसका मतलब डी पल्पिंग भी करनी पड़ती है। तो इनको इस टाइप के जो सीड है इन्हें बोलते हैं रिकल्सिट्रेंट, और अगर इन्हें लो मॉइस्चर में या लो टेम्परेचर पर रख दो तो ये बड़बड़ा जाते हैं और मर जाते हैं, ये एक लिमिट से ज्यादा नीचे टेम्परेचर या मॉइस्चर से ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल सकते, तो इन्हें बोलते हैं रिकल्सिट्रेंट। अब यहाँ पर एक मुद्दा और था जिस जो मैंने बोला था सीड वायबिलिटी का, तो अपना एक सीड वायबिलिटी का और एक सीड स्टोरेज वाला, सीड स्टोरेज से सॉइल सीड बैंक का कॉन्सेप्ट थोड़ा बचा हुआ है, तो यहाँ सीड वायबिलिटी के मुद्दे को देख लेते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं इनके जो सीड की जो वायबिलिटी की बोली थी, जैसे मैंने आपसे बोला था केजुराइना की जो होती है वो होती है जनरली अपनी 1 से 2 वीक, लेकिन मीन्स यूजुअली केजुराइना की सबसे कम होती है 1 से 2 वीक, लेकिन और भी प्लांट है जिनके सीड की वायबिलिटी की कुछ लिमिट है। एक तो गुड सीड यार है, कितने सीड वाले वो सीड प्रोड्यूस करेंगे, और केजुराइना तो हर 6 महीने में करता है, उसके साल भर में 2 साइकिलें आती है, एक इधर आ जाती है गर्मियों के टाइम पे या रेनफॉल के टाइम पे आएगा, मतलब आजकल उसमें फ्रूटिंग चल रही होगी, और एक उसके 6 मंथ की साइकिल पे इधर चल रही होगी, तो इस टाइप के उसमें ईयर में केजुराइना में 2 बार फ्रूटिंग होती है, तो उसका तो ज्यादा कुछ जरूरत भी नहीं है, तो 1 से 2 वीक से ज्यादा उसकी सीड वायबिलिटी होती नहीं है। दूसरा अगर अपन जो साल का देख रहे हैं, साल और नीम का, तो इसकी जो वायबिलिटी है वो हार्डली 3 वीक तक होती है, इसे याद रख लो, इसमें साल है नीम और साल आ गया तो इसके साथ आ गया डाइप्टेरोकार्पस, तो इसकी जो है वो 3 वीक तक है। अगर मैंगो की बात की जाए तो ये 3 मंथ तक है। टीक टीक की याद रखना है, टीक क्योंकि टीक और साल ही थोड़े कॉमन सी चीज आती है जिनपे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, टीक की होती है जनरली 1 ईयर। अब यहाँ बम्बू स्पेसिफिक है कि यहाँ इसमें 20-25 साल बाद तो जैसे तैसे फ्लावरिंग आई और उसकी भी वायबिलिटी बन गई, ये थोड़ा दिक्कत आ जाती, कम से कम 5-10 साल तो हो। इसके बाद जो अपने अकेसिया है यानी कि आप वाले, यानी का तो वैसे ही बोल दिया कि ऑर्थोडॉक्स है, अगर इन्हें खाली पिल्ली में भी ऐसे ही पटक दिया ना तब भी ये 2-3 साल बने रहते हैं, और अगर आपने स्टोरेज में रख दिया फिर तो इन्हें चाहे 20 साल रखे ना, कोई इनका सर दर्द भी नहीं होता है, तो ये इनके साथ इशू है। तो यहाँ पर आपको जो सीट किसको कितनी वायबिलिटी चाहिए वो एक रिक्वायरमेंट है। यहाँ जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर केजुराइना का पूछा गया था कि कोई लोएस्ट वायबिलिटी किसकी है, तो इसमें क्या है कि जो 3 तो अपने अकेसिया वाले आप गवर्नमेंट के दे दिया, अकेसिया अकेसिया और अल्वीजिया, तो इनका तो पहले ही बोल दिया ये तो अपने क्या है ऑर्थोडॉक्स वाले हैं और इन्हें तो 2 साल से ज्यादा चाहिए पड़ता है, तो इनकी तो कोई इशू ही नहीं है। यहाँ पर अपने सबसे कम वाला था वो केजुराइना वाला मुद्दा सीधा सीधा सॉल्व हो गया। सीड वायबिलिटी के साथ साथ एक मुद्दा और है, वो है सीड सॉइल सीड बैंक का। पहले हम इसके मुद्दे को समझ लेते हैं, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो एक प्लांट है जिसने अगर 1000 सीड बनाए, सपोज इसकी जो सीड की वायबिलिटी है वो थी 1 साल, प्लांट ने जो सीड बनाए सबके सब सीड सर जमीन की सरफेस पे है, तो क्या होगा, जो रोडेंट्स है वो अटैक करेंगे, इंसेक्ट पे अटैक करेंगे, तो बहुत सारे तो कंज्यूम ही कर जाएंगे, कुछ सीड होंगे जो जर्मिनेट कर पाएंगे,
तो इस टाइप से अगर प्लांट ने 1000 सीड दी, उसमें 800 कंजीव बर्बाद हो गए, 200 ने जर्मिनेट किया और 200 ने नए प्लांट जर्मिनेट कर दिए। अब जंगल में लग जाती है आग, इन दैट केस क्या होगा, आग ने पूरी पूरी स्पीसीज को खत्म कर दिया, सबको जला दिया। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर ये स्पीसीज अब वो खत्म ही हो चुकी है, ये तो स्पीसीज नष्ट ही हो गई, क्योंकि इसका तो कुछ बचा ही नहीं है इसके पास, क्योंकि छोटे मोटे पेड़ पौधे थे, बड़े पेड़ तो थे नहीं कि जो कुपाई से दोबारा ग्रोथ कर गए। तो इस टाइप की केसेस को क्या किया जाए, तो यहाँ नेचर ने क्या डेवलप किया है कि इनकी जो सीड्स है, यूजुअली होता क्या है कि सीड में जो धूल वगैरह चल रही है, तो बहुत सारे सीड्स हैं वो जमीन में अंदर दब जाते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो दब गए वो ना तो इंसेक्ट पेस्ट की पहुंच से भी बाहर चले जाते हैं, और इस टाइप की जैसे फायर जैसी कोई हजार हो गई तो उससे भी बच जाते हैं। तो इस टाइप से क्या करते हैं कि जो मिट्टी है वो एक टाइप से सीड बैंक की काम करता है, कि अगर बाहर कहीं इस टाइप के फायर वगैरह कोई इंसिडेंस हो गई, तो उसके बाद भी ये जो सीड है जो दबे हुए थे ये बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के उस स्पीसीज को दोबारा से ग्रो कर देंगे। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो सॉयल है वो एक टाइप की बैंक का काम कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं सॉयल सीड बैंक। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे सीड विच कैन नॉट स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, मैंने क्या बोलेंगे, जो सीडों को एक लंबे टाइम से ज्यादा लंबे टाइम तक हम स्टोर नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोला जाएगा, देखो ऑर्थोडॉक्स किया जा सकता है, रिकल्सिट्रेंट को नहीं किया जा सकता। बकाया की जो चीजें हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक एक करके आएंगे। तो यहाँ पर अपना मुद्दा आ जाता है अपना रिकल्सिट्रेंट सीड्स। यहाँ पर अपने पहले 3 पिलर कंप्लीट हो चुके हैं, अब मुद्दा आ जाता है सीड ट्रीटमेंट का। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम सीड ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। देखो पहला तो क्या होता है कि जैसे सीड के साथ 3 इशू है, एक तो है सीड डोरमेंसी का इशू। ये जो सीड डोरमेंसी का इशू है इसे हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं, बेटर तरीके से आगे करेंगे। पहले हम यहाँ पर 2 चीजों को देख लेते हैं कि अगर हम सीड जो लिया हमने उसे सपोज हम सीधे के ग्राउंड में, जैसे कि फार्मर को आपने देखा होगा तो जमीन पर सीधा का सीधा ऐसा स्प्रेड करता है, तो हमें सीड को इस टाइप से ट्रीट करने की जरूरत है कि जब हम सीड इस टाइप से स्प्रे करेंगे तो क्या होगा कि जो बड़ा सीड है वो कम फैलेगा हाथ से, इस टाइप से जो हम ओपनली फेंकते हैं, और जो छोटा सीड है वो ज्यादा खिसकेगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहीं ज्यादा डेंसिटी प्लांटेशन की हो जाएगी, कहीं कम। तो हम चाहते हैं कि इनकी साइज में यूनिफॉर्मिटी हो, जिससे जब हम स्प्रेड करें हाथ से तो लगभग एक जैसे स्प्रेड हो। दूसरा मुद्दा, जब हम इन्हें स्प्रेड जब हम ग्राउंड में लेके चले जाते हैं तो ग्राउंड में क्या होते हैं, यूजुअली एक तो इशू होता है इनकी सॉइल फर्टिलिटी का, कि प्लांट्स है या सीड है जो है सीड के साथ वहां पर उतनी फर्टाइल सॉइल नहीं है, या उसको इतने ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह प्रमोट करने वाली चीजें नहीं है, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड ने वगैरह ने उस पर अटैक कर दिया। तो इस टाइप की चीजें होती है जो सीड की जर्मिनेशन पर स्टार्टिंग में उस पर फैल का क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको उसके साथ साथ उसे फर्टिलाइजर हार्मोन जैसी चीजें भी मिल जाए, और ये इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड से प्रोटेक्शन भी मिल जाए। और फिर इतने बड़े एरिया में फंजीसाइड वगैरह प्रोटेक्ट फैला दोगे, इंसेक्टिसाइड फैला दोगे, तो आपका एक तो कॉस्ट बढ़ जाता है, दूसरा पूरी इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं फॉरेस्ट में। उसकी कंपेयर में सीड सीड के साथ ही फेंक देना फंजीसाइड को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो फंजीसाइड है वो सीड के आसपास के वो कुछ सेंटीमीटर के एरिया में ही होगा, तो वो सीड को भी प्रोटेक्ट करेगा और इकोलॉजिकल लॉसेस भी कम होंगे। तो इस टाइप से हम सीड ड्रेसिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सीड ड्रेसिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो 2 हो गए, यानी कि जो सीड ट्रीटमेंट बोल रहा था मैं, यहाँ पर सीड ट्रीटमेंट में जो दो दो है, जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट और डिजीज है, इम्प्रूव यूनिफॉर्मिटी ऑफ सीड, तो ये दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो हम सीड ड्रेसिंग या सीड ड्रेसिंग, या इसी को हम बोलते हैं सीड पैलेटिंग। पैलेट का मतलब क्या होता है, गोली, जैसे गोली है पैलेट है, इसी टाइप का हम इसे बोलते हैं पैलेटिंग। तो पैलेटिंग वगैरह करके हम इसे काम कर लेते हैं। अब मुद्दा आ जाता है तीसरा, ये होता है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होती है, उस चीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो डोरमेंसी पे मुद्दा चलेगा, ये चीज को अपन समझ चुके हैं। अब अपना जो बेसिक मुद्दा आएगा वह है सीड डोरमेंसी। ये लंबा मुद्दा है इसलिए से पीछे के लिए छोड़ रखा था। इस जो सीड वाला टॉपिक है इससे आपके जो मेजोरिटी क्वेश्चन आएंगे वो ये सीड डोरमेंसी के आसपास आएंगे। समझ लो कि इसमें से लगभग 60-75% क्वेश्चन अकेले सीड डोरमेंसी पे आएंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या आएगा, या तो सीधा सीधा एक टर्म आता है, मीन्स ज्यादातर क्वेश्चन ये आएंगे कि सीड डोरमेंसी होती क्या है। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सीड डोरमेंसी के टाइप पे आ सकते हैं, उसकी सीड डोरमेंसी के रिमूव करने पे जो 2 मेथड है, खासकर एक है स्कैरिफिकेशन, एक है स्ट्रेटिफिकेशन, तो इन पर काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है पहले कि ये सीड डोरमेंसी है क्या। देखो कंडीशन क्या है कि आप पेड़ से जैसे फ्रूट लग गया, जैसे सपोज मैंगो लेके आया, जैसे आपका पका मैंगो, आम से पका मैंगो आपने उसे निकाला, उसका पल्प निकाल करके मैंगो को
सीधा के सीधा जमीन में घुसेड़ दिया और आप उसे कल से देना शुरू कर दिया पानी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जैसी पेड़ से लगाया और सीधे मैंगो को लगा दिया और वो हाल ही जर्मिनेट कर जाएगा? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, और खासकर बहुत सारी स्पीसीज के साथ ऐसा होता है कि वो आप कितना भी कर लो वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो आखिर ऐसे जर्मिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा है उनके बीच में? क्योंकि देखो, सीड के पास दो पार्ट है, एक तो उसके अंदर का पार्ट जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है, दूसरा इसका सीड का आउटर का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं सीड इस टाइप की जो डोरमेंट स्टेज में है, यहाँ पर मैं ये नहीं डिस्कस करूंगा कि ये डोरमेंट फेज में क्यों है वो, क्योंकि वो इकोलॉजिकली उनका जो अडेप्टेशन है वो उस पर डिस्कशन के लिए बाद का मुद्दा है, ये इस स्लाइड को नहीं बढ़ाना है लंबा वीडियो को। बट यहाँ पर प्लांट क्या है, उसका इस टाइप से अडेप्टेशन है कि वो एक पर्टिकुलर जो हार्श कंडीशन है उसको वो झेलने के लिए उसने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि सीड जर्मिनेशन के तुरंत बाद वो जर्मिनेट नहीं करता है। तो ये क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे उसके पास जो भी मुद्दा हो, चाहे वो बाहर सीड कोट की वजह से हो या अंदर का जो एम्ब्रियो, उसने बोला कि भाई मैं अभी अभी तो आया हूँ, कुछ दिन रुको, इसके बाद ही फिर मैं आगे का काम करूंगा, थोड़ा रिलैक्स ले। तो इस टाइप से जैसे हमारे एनिमल में हाइबरनेशन और एस्टिवेशन सुना होगा, उसी टाइप का यहाँ पर सीडों में थोड़ा काम चलता है। तो तुम्हें एक बात समझ में आया कि ये जो सीड्स है उन्हें वो एकदम तुरंत जर्मिनेट नहीं होते जैसे वो फ्रूट पका, उन्हें कुछ पर्टिकुलर टाइम रिक्वायर होता है। तो ये जो जर्मिनेशन ना होने की एक टेंडेंसी है, इसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी, मतलब सीड सुसुप्त अवस्था में सो गया है। अब ये जो सो गया है उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला, या तो सीड के बाहर की जो आउटर कोट है उसकी वजह से हो सकता है, या उसका जो इंटरनल जो डीएनए है, जो एम्ब्रियो है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ एक्टिव हो। तो इस टाइप से आउटर हो सकता है, इनर हो सकता है वो। तो ये बात तो आपको समझ में आई। जनरली क्या होता है कि अगर हम एक मोटे तौर पर देखें तो बहुत सारे सीड के साथ इशू ये होता है कि सीड का एम्ब्रियो ही इमेच्योर हो जाए, उसके साथ एम्ब्रियो के साथ ही बहुत कम है, मीन्स अकेसी आंख वालों का सीड कोट का इशू होता है, और ज्यादातर के साथ उनके एम्ब्रियो के साथ इशू होता है। कभी कभी, वैसे तो ये क्वीन सेंस जो है ये टर्म नहीं आता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जबरदस्ती जो एग्जाम है उसमें पूछ लेते हैं कि क्वीन सेंस क्या है, तो यूजुअली हम इसे सीड डोरमेंसी का कॉन्ट्ररी मान लेते हैं। कभी कभी ये मान लो कि सीड डोरमेंसी का एक पार्ट होगा। इसका इनका कहना यह है कि जो सीड है वो जर्मिनेशन करने से फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर और प्रॉपर एरेशन, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। वो अवेलेबल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो सीड है उसका जो हार्ड सीड कोट है उसकी वजह से इस एम्ब्रियो को ये तीन चीजें नहीं मिल पा रहे। तो यूजुअली कहने का मतलब है कि जो सीड कोट की वजह से डोरमेंसी है उसको ये कभी कभी टर्म, जो क्वीन सेंस जो टर्म है वो यूज कर लिया जाता है, बट आपको सीड डोरमेंसी पे लेके चलना है। अब जैसे मैंने बोला सीड डोरमेंसी, तो क्योंकि मेजोरिटी सीड डोरमेंसी क्वेश्चन यहीं से निकल आते हैं, दर क्वेश्चन यहीं पे आ रखे हैं, जैसे कि हार्डनेस एंड सीड कोट इज ड्यू टू, एक तो ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था, कुछ स्लाइड पहले, कि जो सीड की जो सीड कोट की जो हार्डनेस है वो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की वजह से होती है। दूसरा यहाँ पर सीड डोरमेंसी क्या है, मतलब इसका आंसर ये था कि सीड जो है वो जर्मिनेशन करने से फेल हो जाता है। यहाँ पर वायबल सीड बोला कि सीड तो वायबल है लेकिन वो फेल टू जर्मिनेट इवन इन सुटेबल एनवायरमेंट, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो डोरमेंट है। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, इवन व्हेन एम्ब्रियो इज फुली डेवलप्ड, बोला कि कोई सीड है उसका एम्ब्रियो तो दर डेवलप हो रखा है, फुली डेवलप हो रखा है, इसके बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अभी केमिकली जो है वो केमिकली रेडी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि सीड डोरमेंट। तो यहाँ पर जो बेसिकली अपने क्वेश्चन डोरमेंसी पे मतलब काफी क्वेश्चन आए, 10-12 क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ एक मॉडली आपके सामने पांच है। सीड डोरमेंसी हो गई, तो अब इसके मुद्दे आते हैं कि सीड डोरमेंसी के टाइप कितने हैं। तो जैसे मैंने आपसे बोला एक्जोजीनस डोरमेंसी मतलब सीड कोट की वजह से है, ये किसका बना है? स्क्लेरेनकाइमा का। दूसरा एंडोजीनस मतलब उसके एम्ब्रियो की वजह से, या दोनों का कंबाइंडली। तो अगर एक्जोजीनस की बात की जाए तो इसका मतलब उसका सीड कोट बहुत हार्ड है। जब सीड कोट हार्ड वाले की बात की जाती है तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आता है जिसपे अक्सर क्वेश्चन आएंगे वो आएगा टीक का। उसको टीक तो याद रखना क्योंकि टीक सबसे एक्सट्रीम है ये हार्ड कोट वाले में। दूसरा इसमें और जो अगर आते हैं तो अपनी आप गवर्नमेंट आ जाती है, मीन्स लेग्यूम्स में आता है, मिमोसेसी में, एलबीजी अकेसिया और प्रोसोपिस वाले केसिया वाले उसमें, तो ये वाले आते हैं। तो इनके साथ क्या होता है कि जो सीड कोट है वो अपने जो तीन फैक्टर थे, कौन सा, वाटर है, ऑक्सीजन है, और मीन्स मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, और जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसकी एंट्री नहीं होने देता सीड को अंदर, इस वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा, खासकर ऑक्सीजन और वाटर। तो ये हार्ड की इनके साथ दिखा जाए, तो अब इसे हम अगला इसके बाद स्लाइड आएगी उसमें ये देखेंगे कैसे हम एक्सोजीनस डोरमेंसी को रिमूव करेंगे, मतलब सीड कोट को कैसे रिमूव करेंगे।
दूसरा मुद्दा है एंडोजीनस का, जहां पर बाहर का सीड कोट का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ एम्ब्रियो है वही तैयार नहीं है, वो मतलब अभी इमेच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ। इसे ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं, ये जब बर्थ हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनका जो दिमाग है वो डेवलप नहीं होता है, वो इसके बाद की फेज में भी डेवलपमेंट में चल रहा होता है, काफी बाद में डेवलप होता है, मीन्स एडजस्टमेंट जो न्यूरोन का वो काफी चल रहा होता है। उसी टाइप का है कि जो सीड्स हैं बहुत सारे, तो सीड्स तो बन गए, वो टपक भी गए पेड़ से नीचे, लेकिन उनमें एक्चुअल में इंटरनल जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो अभी भी चल रहा होता है। तो इस टाइप की जो एम्ब्रियो है वो इमैच्योर, उसमें कुछ केमिकल्स है जिनका भी डिसइंटीग्रेशन या टूटना भी बचा हुआ है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ टाइप की अभी मेटाबॉलिक रिएक्शन वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि कुछ टाइप के एंजाइम अभी इनएक्टिव है, या कुछ कुछ सीड में क्या होता है कि कुछ टाइप के केमिकल्स होते हैं इनएक्टिव एंजाइम्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इनहिबिटिंग केमिकल्स। ये जो केमिकल्स होते हैं, ये उसके जो एंजाइम्स हैं उनको रिएक्ट नहीं करने देते, उन्हें एक्टिव नहीं होने देते, जब तक एंजाइम नहीं, तब तक ये एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं हुआ। तो इस टाइप के उसके इश्यूज है जो अपने उसको एंडोजीनस डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर अपने हो गए एक्जोजीनस एक्जोजीनस डोरमेंसी, एंडोजीनस हो गए, और जब बहुत सारे सीडों में ये दोनों भी होते हैं तो हम उसे कंबाइंड फॉर्म में ले लेते हैं। अब यहाँ पर अपना मुद्दा आएगा इन्हें रिमूव करने का। तो सबसे पहले तो अपन जो सीड कोट की वजह से डॉर्मेंसी है, जिसे अपन बोल रहे थे एक्जोजीनस सीड, जो एक्जोजीनस हो रही थी मतलब सीड कोट की वजह से जो डॉर्मेंसी हो रही थी, उसको रिमूव करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर अपना मुद्दा ये कि इस कैसे भी करके इसका जो हार्ड सीड कोट है इसको हटा दिया जाए। तो इसको कैसे हटाओगे? तो बहुत सारे में क्या होता है कि जैसे हम अगर जैसे अपने आप वाले हैं अकेसिया एल्वेजिया अकेसिया, इनको जनरली क्या है, 2-3 दिन पानी में डाल दो, धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके अगर 24 घंटे भी पानी में इसमें डाल दिया, तो जो सीड कोट है वो फूल जाता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, जैसे अभी 2-4 बारिश पड़ी, ये अकेसिया की सीड जहां भी पड़े होंगे वो फूल जाते हैं। इनकी सीड कोट हार्ड होता है, लेकिन अगर आपने कंटिन्यू पानी में रख दिया 2-3 दिन, तो इनकी सीड कोट फूल जाता है और पानी के लिए एंट्री कर देता है। तो जब इन्हें बहुत हार्ड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्हें बस पानी दे दो, काम हो जाता है। दूसरा मुद्दा आता है, जहां पर मैंने पहले बोला था, सबसे पहले कि अपना टीक आया था, ये टीक का काफी एग्जाम्पल है और आपको इस पे अक्सर क्वेश्चन आएंगे। तो टीक का जो हार्ड सीड कोट है ये थोड़ा बहुत नहीं होता, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, हद से ज्यादा हार्ड होता है। तो इसको एक्चुअली जो पुरानी टेक्निक है, अभी तक की बहुत पुरानी टेक्निक है, उसमें क्या किया जाता है, जो अपना गोबर होता है, गोबर के साथ मिट्टी के साथ मिक्स अप करके इसे उसमें सड़ाया जाता है। तो एक तो काम है इसको सड़ाना, मतलब सड़ाने को मतलब इसकी जो आउटर सीड कोट है उसको वेदरिंग करते हैं। दूसरा जैसे टीक है, उसका अडेप्टेशन क्या है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस का प्लांट है, सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में उग रहा है, ड्राई ड्राउट ड्राइट ड्राउट सूखे वाले रीजन में। इसका एक आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर गर्मियां दर पड़ती है, अक्सर आग वगैरह लग जाती है, तो इनके सीड का अडेप्टेशन इस टाइप से है कि थोड़ा बहुत आग वगैरह इनको झुलसाती रहे, गर्मी पड़ती रहे, फिर सर्दी पड़े, फिर गर्मी पड़े, फिर सर्दी पड़े, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी टाइप से धीरे धीरे करके इनकी पे क्रैक आते हैं पार्क कवर में। तो फिर वही हम यहाँ पर करते हैं, हमने अल्टरनेट पहले इन्हें हम गीला करेंगे, फिर हमने सुखाएंगे, गीला करेंगे सुखाएंगे, गीला करेंगे सुखाएंगे और हीट देंगे। तो इस टाइप से जो हम पानी देंगे, फिर इन्हें गर्म करेंगे, फिर पानी देंगे, फिर गर्म करेंगे, तो इस टाइप से अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग जो जब करते रहते हैं, तो उससे इस पर क्रैक आ जाते हैं। एक तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई, ये सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। दूसरा मैंने जैसे बोला था गोबर में डाल करके सड़ाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वेदरिंग करना, ये किसके साथ करेंगे, टीक के साथ। लेकिन अब ये है कि जब कॉमर्शलाइजेशन हुआ, तो आज के टाइम पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो वो मशीनें क्या करती है कि उसमें जैसी डाल देंगी इसकी सीड कोट को रगड़ देती है पूरा। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये होती है कि मशीन के पास दिमाग तो होता नहीं है, कई बार सीड में जो जो एम्ब्रियो है वो साइड में होता है, तो इस केस में आपके पास एम्ब्रियो तो कट के उसने बाहर फेंक दिया रहा था, और खाली पीली का जो सीड जो फ्रूट फूड वाला जो पार्ट होता है, कॉटिलेडर वाला पार्ट, वो बचा रहता है। तो ये इशू है उसके साथ, लेकिन आजकल मशीन भी चल रही है, बस एक एग्जाम्पल बता रहा था। इसके साथ साथ एक मुद्दा और होता है, वो आता है स्कैरिफिकेशन। देखो स्कार का मतलब क्या होता है, आपके फेस पे स्कार है, मतलब मार्क्स है। तो स्कैरिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपने सीड लिया और इस टाइप के जो सैंड पेपर होता है आपने उसे सीड को रगड़ दिया, तो रगड़ोगे तो क्या होगा, इसके पे आपने थोड़ा रगड़ करने से उसको जो मैकेनिकल डैमेज पहुंचा थोड़ा हल्का सा उसको, तो हल्का सा मैकेनिकल डैमेज मतलब उसकी आउटर कवर जो है उसमें थोड़ा क्रैक आ गया, क्रैक आ गया, अपना काम हो गया। तो इस टाइप से आपने जो है जैसे जैसे पानी और हवा के लिए स्पेस दे दिया, वो अंदर इंटर कर गई, तो अपने पानी इंटर करा मतलब सीड जर्मिनेट हो जाएगा। तो एक मुद्दा अपना स्कैरिफिकेशन याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार आया है। इसके साथ दूसरा होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, कुछ स्पीसीज को हम क्या कर देते हैं, जैसे अकेसी वाले इनके साथ भी करते हैं।
अखिल के स्पीशीज के साथ जनरली क्या करते हैं, हम तीन ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो हमने क्या किया ना, 48 घंटे के लिए पानी में डाल दिया, तो इसके बाद ये यूजुअली जर्मिनेट हो जाते हैं। कुछ अकेसिया के सीजन जो थोड़े हार्डी होते हैं तो उनको हम दो ट्रीटमेंट कर लेते हैं कि कम करो इसे कुछ 15-20 मिनट के लिए 80-100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल कर लो। तो इस टाइप के टेम्परेचर में बॉयल करेंगे तो जनरली उसके आउटर कवर जो है वो थोड़ा लूज पड़ जाता है, और ये टेम्परेचर है वो इतना भी ज्यादा नहीं हो जाता है क्योंकि लंबा ड्यूरेशन नहीं है। जैसे सपोज मैंने 10 मिनट के लिए बॉयल किया तो ये इतने में एम्ब्रियो डेथ नहीं कर पाता, और उससे पहले पहले हमने निकाल करके एकदम तेजी से ठंडा कर देते हैं। जैसे ठंडा किया उसमें आ जाते हैं क्रैक, तो इस टाइप से हम स्कैरिफिकेशन करते हैं। तीसरा मुद्दा, कभी कभी हम जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो इसके काफी सॉल्यूशन काफी पतला हो बनाते हैं, तो इस सीड को लिया सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, जो तेजाब बोलते हैं उसके आउटर कवर के साथ रिएक्ट करके उसकी कम जो उसमें जो डिपोजिट्स कंटेंट है उसे थोड़े को निकाल देता है, उससे सीड कोट थोड़ा लूज पड़ गया, तो अब उसमें पानी का इंटर करना आसान हो जाता है, वो नेचुरली इंटर करना आसान हो जाता है उसका। तो ये तीसरा है अपना एसिड स्कैरिफिकेशन या एसिड ट्रीटमेंट भी लिख के आ जाता है, एसिड स्कैरिफिकेशन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक तो स्कैरिफिकेशन याद रखना है, वाटर सुकिंग याद रखना, और अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग या बैदरिंग रखना है टीक का। ये तो रहा अपना आउटर वाले का। अब इसके साथ आउटर वाले में अपने कुछ कॉमन तरीके और हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अल्बिजिया वगैरह है, ये है बबूल अकेसिया नेरोट का, उसकी सीकेज होती है जो जिसे अपन पॉड बोलते हैं। ये तो अभी ये वेट कंडीशन में है, जब ड्राई हो जाएंगे तब अपने जो एनिमल्स हैं वो यूजुअली खा जाते हैं, और ये जो सीड्स है वो इनके पैसेज से निकलते हैं। निकलने के बाद ये इजिली जर्मिनेट हो जाते हैं, या फिर ये जब माउथ से बाद में जब इसे बोलते हैं जुगाली करते हैं, तो माउथ से जब वो निकाल देते हैं तो उस टाइम पे इनका काम हो जाता है। मुंह से टपकने के बाद क्योंकि जो इनके दांत से जिन्हें चोटिल किया उससे ही ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यूजुअली आप देखोगे कि जहां पर बकरियां बैठती हैं वहां पर अक्सर बबूल 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 ग्रो कर रखा होगा। या फिर यहाँ पर एक है पार्शियल फर्मेंटेशन, जैसे मैंने टीका तो आपको बता दिया कि उसे भी वैदरिंग करते हैं यानी कि फर्मेंट करते हैं। इसके साथ साथ जो अर्जुन है, अर्जुन के सीड को भी अपन वो फर्मेंट कर लेते हैं, मतलब इसमें थोड़ा फर्मेंटेशन के लिए एंजाइम वगैरह डाल के या गोबर वगैरह में डाल करके फर्मेंट कर दिया जाता है, सड़ा दिया जाता है, 3-4 दिन डाल दो सड़ जाते हैं। इसके बाद कुछ टीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि जो अपने टीक के सीड है उनके साथ या तो अपने अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग कर दी या फर्मेंटेशन कर दी। तीसरा है उसका नेचुरल क्या है कि आग लगना और उसको अडोप्ट कर रखा है, तो एक काम करो कहीं आग का अपन जला देते हैं और टीक के सीडों को उसमें फेंक दिया, हल्की लाइट जलाते हैं, हल्की आग जलाते हैं और उसमें टीक के सीड फेंक दिए, तो इसके बाद आग बुझने के बाद प्रोबेबिलिटी होती है कि उस पर क्रैक आ चुके होंगे। तो इस टाइप से उसमें उसकी हमने जो डॉर्मेंसी थी उसे कम कर लिया। और फिर हाँ एक बात और है जो सबसे है, लेकिन ये कम हो पाता है लेकिन करते हैं, क्या है कि ये जो सीड कोट जो इतना हार्ड डेवलप हुआ, सपोज टीक में जो सीड कोट इतना हार्ड डेवलप हो पा रहा है, तो पहले क्या होता है, पहले तो सीड डेवलप हो जाता है पूरा, इसके बाद डेवलपमेंट की लेटर स्टेज में उसका सीड कोट पे वर्क होता है और बाद में वो हार्ड वाला पार्ट बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब सीड डेवलप हो गया और उसका हार्ड कोट वाला पार्ट अभी बन रहा होता है, हम सीड को उसी टाइम पे हार्वेस्ट कर लेते हैं। इस टाइप से उसका जो सीड कोट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है जितना होना चाहिए। तो इस टाइप से बोल सकते हैं कि जो उसका सीड कोट डॉर्मेंसी है वो तो बन ही नहीं पाई और उससे पहले ही हमने उसे हार्वेस्ट कर लिया। तो ये एक मुद्दा इसे रिमूव करने का ये हो जाता है। अब यहाँ पर अपना मुद्दा होता है कि इन्हें रिमूव रिमूव ये तो आउटर को कर लिया, अब अपना इंटरनल मुद्दा बची हुआ है। इंटरनल में खास करके बचे हुए अपने एम्ब्रियो वाले को है। एम्ब्रियो वाले के साथ क्या किया है, तो उसके साथ मुद्दा ये है हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, या इसे बोलते हैं हम स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब लेयर। इसमें हम करते क्या है, यूजुअली कि गड्ढा बनाया, गड्ढे में हम यहाँ पर रख देते हैं गनी बैग या कुछ मीस बुरादा वगैरह इस टाइप कुछ रख दिया, गनी बैग भी रखते हैं ज्यादातर में। इसके बाद यहाँ पर सीड की एक लेयर बना दी, इसके बाद फिर गनी बैग, फिर सीड की लेयर, फिर गनी बैग, फिर सीड की लेयर, और इसके बाद फिर हम ऊपर से थोड़ा हल्का मॉइस्चर डाल देते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ सीड जो है उसको एक तो मॉइस्चर बढ़ा देते हैं, दूसरा टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। इस टाइप से जो सीड्स जो है जिनको एक टाइप से हम लो लो मॉइस्चर सॉरी हाई मॉइस्चर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिससे उनका जो एम्ब्रियो है उसको भी इतनी सर्दी लग जाए कि कप कप आ जाए और कप कप आके एक्टिव हो जाए और थोड़ा रिएक्शन में आ जाए। तो इस टाइप पे जो हम काम कर रहा है वो कर रहा है स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि स्ट्रेटा में लेयर में कर रहा है, तो हम इसे चिलिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं, मॉइस्ट मॉइस्ट चिलिंग ट्रीटमेंट। या तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको सीधा स्ट्रेटिफिकेशन होगा या फिर लिख के आएगा मॉइस्ट चिलिंग ट्रीटमेंट, तो हम जनरली मॉइस्ट चिलिंग ट्रीटमेंट दे देते हैं। खासकर किसको करेंगे, हम कॉनिफर्स में, क्योंकि कॉनिफर्स जो आते हैं वो कोल्ड कोल्ड एरिया के हैं और कोल्ड में हमें यहाँ पर टेम्परेचर कम दे रहे हैं।
अब इस टाइप से भी हम उसके इंटरनल कर लेते हैं। अब आज के टाइम पे क्या है, कोई इतना दिमाग का दही करना नहीं चाहता है। दूसरा कुछ इजी मेथड है, जैसे कि एक्सरे है, गामा रे है, उनके अंदर रख दिया तो उसे इंड्यूस कर देता है। कुछ है जो केमिकल जो है, हार्मोन्स वगैरह है, हार्मोनल ट्रीटमेंट दे देते हैं, एसिड ट्रीटमेंट है। तो क्योंकि ये आज के टाइम पे तो पॉसिबल है, लेकिन आज से 30-40 साल पहले उतना बेटर नहीं थे, तो पुराने फॉरेस्ट्री में तो वही चल रहा है। और दूसरा हमको वो देखना होता है जो इकोनॉमिकली वायबल हो, ये थोड़े कॉस्टली कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो अपना ट्रीटमेंट वाला इशू था वो हो गया। यहाँ पर अपन दो और देख लेते हैं, एक अपना देवदार और दूसरा टीक। तो देवदार में जनरली जो अपना कोल्ड वाटर सोकिंग है, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। अक्सर हम कोल्ड वाटर को करते हैं, कोल्ड वाटर सोकिंग मतलब हम उसे ठंडे पानी में देवदार के सीड़ों को फेंक देते हैं और वो पड़ा रहता है 2-4 दिन में काम हो जाता है। दूसरा टीक है, इसको जो अल्टरनेट वेटिंग या ड्राइंग जो है वो लगभग अगले 15 दिन तक हम देते हैं। ये तो एग्जाम्पल इसीलिए है क्योंकि अक्सर इन पर क्वेश्चन आते रहे। अब इसकी हम थोड़ी एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसके बाद अपना अगली बार पे टेस्टिंग वाले पार्ट पे चलेंगे। जैसे वेदरिंग मेथड ऑफ हार्ड सीड को ट्रीटमेंट इज प्रैक्टिस, तो वेदरिंग किस में किया जाता है, तो जैसे मैंने बोला था टीक में, इसका आपको आंसर भी टीक ही मिलेगा, डी। इससे कई क्वेश्चन आएंगे ठीक से। देखो, सीड ट्रीटमेंट बाय विच द हार्ड सीड कोट इज रैप्चर और ब्रेक मैकेनिकली और केमिकली, इसे क्या बोलेंगे कि जो सीड कोट है, ये बात कर रहा है सीड कोट का, उसे रैप्चर करना है किससे, चाहे मैकेनिकली करो या केमिकली। तो क्या बोले कि उसे हम मैकेनिकली मतलब रगड़ के कर रहे थे, ऐसे ट्रीटमेंट भी दे रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, इसे स्कैरिफिकेशन कर रहे थे। एक बार पिक्चर देखोगे उसकी कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्कैरिफिकेशन में क्या कर रहे थे हम, या तो हम मैकेनिकली डैमेज कर रहे थे, या हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे रहे थे, या केमिकली कर रहे थे। तो इस टाइप से हमें क्या कर रहे थे, स्कैरिफिकेशन। इसके बाद यहाँ स्कैरिफिकेशन के बाद यहाँ पर फिर क्वेश्चन वही आया, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग किसका देते हैं, तो अपना टीक कहा जाता है। यहाँ पर फिर ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी बाय लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि स्ट्रेटा बनाते थे, स्ट्रेटा स्ट्रेटा। तो यहाँ पर अपना है स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन आता है, और तो कोई नहीं, छोटी सी स्लाइड। हाँ, टाइप ऑफ प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर फॉर फॉर टीक, बोला टीक को आपको प्री ट्रीटमेंट क्या रिक्वायर है। इसका प्री ट्रीटमेंट का मतलब है कि जब आप सीड जो है उसको जमीन में लगा रहे हैं, उससे पहले आपको क्या प्री ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो देखो, स्टीक का सीड इतना बड़ा होता है कि आपको उसके सीड जो पैलेटिंग वाला पार्ट जो था, उसके बाहर फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्मोन वगैरह लगाना, इसकी जरूरत नहीं है, ये पहले से इनफ है इसके हिसाब। यहाँ पर केवल आपको उसकी डोरमेंसी वाली पार्ट को रिमूव करना था, तो वो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग 15 दिन करके हम निपटा देते हैं। तो बस यहाँ तक था, और इससे अपना हैंडल हो जाता है। अब अपना नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाता है, और वो है अपना सीड टेस्ट। तो पहला तो मुद्दा होता है, हम सीड टेस्ट क्यों करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अपन को क्या होता है कि अपन को ये समझ में आना चाहिए कि जो सीड्स हैं उनकी क्या कैपेसिटी है, कितना जर्मिनेट होगा, जिससे अपन को पता पड़ा। मान चलो टेस्टिंग के बाद अपन को ये पता पड़ा कि जो सीड है वो 50% ही जर्मिनेट होते हैं, तो इसका मतलब है कि अपन को जमीन पे ग्राउंड में जब प्लांटेशन करेंगे, यानी कि सीड सोविंग करेंगे, तो हमें लगभग जितने प्लांट लगाने हैं, मतलब 100 पेड़ उगाने थे, तो हमें 200 सीड की जरूरत पड़ेगी। तो सीड्स टेस्टिंग से एक्चुअल में हमें ये एक्चुअलिटी में पता पड़ पाता है कि हमें सीड जर्मिनेट कितने होंगे, या कितने दिन बाद जर्मिनेट होंगे, यानी कि हमें कितना रिक्वायर है। तीसरा, वायबिलिटी, मतलब मॉइस्चर कितनी है सीड के अंदर, उसका वेट कितना है, वजन कितना है। तो क्योंकि सीड जब बड़े मात्रा में होते हैं तो वजन से ही करते हैं। अब मान के चलो मेरा प्लांटेशन वर्क है, मैंने बोल दिया कि मुझे 15 लाख सीड पर ईयर चाहिए, अब 15 लाख कौन दिन तक आएगा। तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारा जो काम होता है वो वेट से ही होता है, कि एक बार काउंट कर लिया कि भाई 1000 सीड का वेट या 1 लाख सीड का वेट ये है, तो फिर उस हिसाब से वो समझ लेगा कि 15 लाख का एवरेज वेट ये हुआ, तो फिर उस हिसाब से सीड से वेटिंग से काम करता रहेगा। तीसरा मुद्दा होता है प्योरिटी टेस्ट, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो कभी 100% प्योर तो होते नहीं है, मिक्सअप हो जाता है, अदर स्पीसीज भी आ जाती है। तो सीड जब लॉट खरीदा जाता है उसमें तो इम्प्योरिटी होती है, लेकिन जब हम ग्राउंड में कवर करते हैं तो उस टाइप पे अक्सर हम थोड़ी प्योरिटी को और सुधार लेते हैं, अक्सर अगर मिल गया तो हम उसे हटा देते हैं। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज किसी सीड में 10% अलग अदर स्पीसीज के है, इसका मतलब यह है कि आपको जो सीड रिक्वायर है तो आपको 10% वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अदर की मिक्सअप कितनी है, सीड का वेट कितना है, जर्मिनेशन है। तो ये लगभग 5 टाइप के टेस्ट हैं जो यहाँ किए जाते हैं। तो पहला तो अपना टेस्ट, इन्हीं को एक एक करके देखेंगे। तो पहला तो अपना टेस्ट जो होता है सीधा सीधा होता है प्योरिटी टेस्ट। प्योरिटी टेस्ट में अपन ये देख लेते हैं कि यहाँ पर मतलब 100 सीड ले ली, उसमें अदर स्पीसीज के कितने हैं, या फिर 100 सीड में से कितने डैमेज, डिके हैं, डिफॉर्म है, घटिया टाइप के सीड है, या अभी पके नहीं है, मीन्स उल्टे सीधे जो सीड्स है उनको हम देख लेते हैं। तो इससे हमें ये पता पड़ जाता है प्योरिटी से कि एक्चुअल में हमें जो सीड चाहिए थे वो कितने हैं। कहने का मतलब, मान के चलो ये सब सीड जो है वो 40% सीड निकल गए, इसका मतलब है कि जो मुझे 100 सीड चाहिए थे,
अगर मैंने कहीं 100 सीट का लॉट उठाया, उसमें से 40 सीट निकल जाएंगे तो अपन को चाहिए मिलेंगे इसमें 60 सीट। इसका मतलब है कि सपोज अगर प्लांटेशन वर्क कहीं कर रहा हूँ तो अगर मुझे यहाँ पर 1000 सीट चाहिए थे तो मैं यहाँ से 1000 सीट नहीं लूंगा, क्योंकि 1000 लूंगा तो यहाँ पर तो 600 ही निकलेंगे। इसका मतलब मुझे इस टाइप से इनकी मात्रा को डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर 40% लॉस के बाद यहाँ 1000 आ जाए। तो इस टाइप से हमें ये जरा इसकी जो प्योरिटी टेस्ट है वो हेल्प करेगा। दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो है इसके सीड वेट या टेस्ट वेट है। ये उनका मतलब क्या हुआ, उनका वेट ले रहा है। अब वेट के साथ इशू ये होता है कि जो स्मॉल साइज के सीड होते हैं, इसमें इनमें हम क्या करते हैं स्मॉल साइज वालों के, जैसे कैजोराइना के, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उनके 1000 सीट को लेते हैं, स्मॉल साइज वालों के 1000 सीट को ले लिया, और उनके 1000 सीट को हम वेट देख लेते हैं और वेट करके देखते हैं कि इनका कितना वेट है। तो 1000 वालों को हम एक टाइप से टेस्ट करते हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो ये दिन का लिया मान के 1000 सीट का वेट इनका निकल गया सपोज 23 ग्राम, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, या 25 ग्राम। तो इस टाइप से हम जो निकाल लेते हैं इसे बोलते हैं टेस्ट वेट। तो टेस्ट वेट निकाला जाता है 1000 का। दूसरा ऐसी जो बड़े साइज है, जैसे ठीक है आप उसके तो 1000 का नहीं निकालेंगे क्योंकि वो तो केजी में निकल जाएगा, तो पर इस टाइप के जो बड़े साइज के सीड होते हैं उनको हम लेते हैं 100 सीड का वेट लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सीड वेट। तो याद रखना कि देखो छोटे वालों का तो एक टाइप से टेस्ट चल रहा है, बड़े वालों का हम एक्चुअल में वेट लेते हैं। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो उल्टा हो जाता है कि कौन 1000 का है कौन उसका है। तो ये समझ लेना कि बड़ों वालों का ही एक्चुअली वेट लिया जाता है, छोटे वालों का तो जस्ट एक टेस्ट टाइप का है। तो सीड ये टेस्ट वेट और सीड वेट ये दोनों का क्वेश्चन काफी आते हैं, बस इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा अपना। इसके बाद तीसरा मुद्दा आ जाता है अपना जर्मिनेशन टेस्ट का। तो जर्मिनेशन टेस्ट में अपन दो चीजें टेस्ट करते हैं, एक होता है जर्मिनेशन परसेंटेज और दूसरा है जर्मिनेशन एनर्जी। पहले समझते हैं जर्मिनेशन परसेंटेज को। इसे समझते क्या है कि मान के चलो आप एक काम करो, यहाँ पर आपने 10 सीड लिए और किसी एक कपड़ा लिया, 10 सीड को इस कपड़े में रख दिया और आपने दूसरा उसके ऊपर दूसरा कपड़ा रख दिया और इसे ढक दिया, और इसके बाद आपने इसे गीला कर दिया और कंटिन्यूस वैसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। 2 दिन बाद आपने इसमें ये देखा कि आपने जो 10 सीड थे उसमें से कितने जर्मिनेट हो गए। सपोज उसमें 8 सीड जर्मिनेट हो गए, 2 नहीं हो पाए। तो इसकी जर्मिनेशन जो एनर्जी है वो जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, 8 हुए मतलब 80% आउट ऑफ, मतलब अगर 100 ली तो 80 जर्मिनेट होगा 10 में से 8, मीन्स कितनी जर्मिनेशन परसेंटेज है 80%। और जो 2 है वो क्यों नहीं जर्मिनेट हो पाए, क्योंकि उनके साथ क्या तो सीड डोरमेंसी वाले इशू थे, या फिर उनके एम्ब्रियो के इशू थे, या फिर एम्ब्रियो डेथ हो चुका था। इस टाइप की बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर आपकी जो जर्मिनेट हो रहा है वो कितना हो रहा है 80%। तो आपको समझ में ये अभी आ गया कि अगर हमने 1000 सीड कार्य भी लिए थे उधर, मतलब कुछ इम्प्योरिटी वगैरह को प्योरिटी टेस्ट में वो इम्प्योरिटी वगैरह को काउंट कर करो करके हमने कर भी लिए, तो तब भी जो हमने 1000 लिए उनमें कितने जर्मिनेट होंगे वो भी अपने लिए इशू है। फिर इसके बाद मुद्दा आता है जर्मिनेशन एनर्जी। जर्मिनेशन एनर्जी कैसे होगी कि जैसे मान के चलो आपने इसे देख लिया और आपने पहले दिन इसे यहाँ पर लगाया, यहाँ पर मान के चलो आपने 1000 सीड को ले लिया और यहाँ पर उगाया। इसमें पहले दिन आपने देखा तो देखोगे कि कुछ सीड है, कुछ ही सीड है, टाइम के साथ कुछ सीड है जर्मिनेट हुए, रिमेनिंग अभी तक ऐसे गीले गीले पड़े हैं। फिर आप दूसरे दिन फिर इसको देखोगे, दूसरे दिन आपको पता पड़ गया कि कुछ सीड जो है वो पहले पहले तो पहले दिन सपोज मान के चलो 15-20 ही सीड थे जो जर्मिनेट हुए थे, रिमेनिंग ऐसे ड्राइड पड़े थे। दूसरे दिन आपने देखा तो पता पड़ा कि 60-70 सीड है, 60-70 सीड है जो दूसरे दिन जर्मिनेट हुए। उसमें 15 पहले वाले नहीं काउंट कर रहा हूँ, वो तो पहले हो चुके थे, तो जो पहले हो चुके थे उन्हें एक इसी में वहीं पर पड़े रहने देंगे, लेकिन उनको काउंट हो गया कि 20 हो गए थे, ठीक है। दूसरे दिन सपोज अपना काउंटिंग अपनी 80 आई तो समझ गया कि 20 पुराने हैं, 60 नए हो गए। तो इस टाइप से दूसरे दिन काउंट के जर्मिनेट कितने हुए, 60-70। धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 3-4 दिन बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब जो परसेंटेज है वो हाईएस्ट होता है, मतलब उस दिन जर्मिनेशन सबसे हाईएस्ट होगा, इसके बाद फिर रिड्यूस होने लगता है। तो वो डे जिस दिन जो जर्मिनेशन है उसकी सबसे टॉप होता है, तो हम उसे मान लेते हैं कि उसे है जर्मिनेशन एनर्जी, मतलब कितने दिन में ये अपना मैक्सिमम जो शो है जर्मिनेशन वो शो कर देता है। इसी जर्मिनेशन स्पीड से भी हम मेजर कर सकते हैं कितनी तेजी से ये जर्मिनेट हो रहा है। तो यह जर्मिनेशन एनर्जी और जर्मिनेशन परसेंटेज से अपना काम हो जाता है। तीसरा मुद्दा यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद सर अपने वायबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड करेंगे। नंबर ऑफ सीड दैट जर्मिनेट इन अ सैंपल अप टू अ टाइम व्हेन जर्मिनेशन रीच इट्स पीक इज रिच। तो वो अपना क्या है, जर्मिनेशन एनर्जी का क्वेश्चन था। पोटेंशियल पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, सीड की जो पोटेंशियल कैपेसिटी है जिसमें वो जर्मिनेट कर सकता है उसको क्या बोलेंगे। तो सीधे जर्मिनेशन एनर्जी है उसकी पोटेंशियल कैपेसिटी, और यहाँ पर डोरमेंसी का कोई मुद्दा है नहीं। वाइवल और नाइन पोटेंशियल ऑफ सीड टू जर्मिनेट,
तो सीड वायबिलिटी मतलब वायबल है, जिंदा है, नहीं है, ये विगर ऑफ सीड, पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ सीड जर्मिनेट इज नोन। तो ये पोटेंशियल कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये विगरनेस होती है उसकी सीड की। अब क्या बोल सकता हूँ इसमें, विगरनेस भी इसका ऑप्शन हो सकता है और जर्मिनेशन। वैसे मैं पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, पोटेंशियल कैपेसिटी मीन्स कितना पोटेंशियल है इसका जर्मिनेट करने का, तो जर्मिनेशन परसेंटेज। तो विगरनेस ऑफ सीड, वायबिलिटी ऑफ सीड, वायबिलिटी डिफरेंट थिंग है। तो सीड विगर, मैं यहाँ पर सीड विगर भी हो सकता है इसका आंसर, और ये भी एक बार देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, फिर इसे बाद में सॉल्व करके बताते हैं। इसके बाद जब जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेशन पे दो इशू और आ जाते हैं कभी कभी बीच में। एक आपने देखा होगा जर्मिनेशन हो रहा है एपीजियल हाइपोजियल, ये पहले भी बता चुका हूँ। ये जो छोटा सा मुद्दा है एपीजियल हाइपोजियल का, इसे भी एक बार देख लेते हैं। मैंने बोला कि सीड जर्मिनेट हुआ और इसका सीड का जो कोट है वो यहीं पर रह गया, क्योंकि सीड के पास सफिशियंट एनर्जी थी, उसे कोई भागने की जरूरत नहीं थी। इसमें ऊपर का तरफ गया एपिकोटाइल और नीचे की तरफ गया हाइपोकोटाइल। तो नीचे का हाइपोकोटाइल है, ऊपर का एपिकोटाइल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एपिकोटाइल ऊपर ग्रोथ करके स्टेम बना लेता है, हाइपोकोटाइल नीचे ग्रो करके रूट बना लेता है। तो इसमें जो सीड है वो जमीन के अंदर ही रहता है, इसलिए अपन बोलते हैं हाइपो, हाइपो मतलब बिलो नीचे, और जियल मतलब अर्थ। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन मतलब सीड जमीन के अंदर ही जर्मिनेट होता है। तो ज्यादातर सीड जो अपने बड़े वाले सीड है जैसे टीक है, साल है, इनमें ये हाइपोजियल होता है। डेंड्रोकैलेमस याद रखना, ये अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हाइपोजियल होता है। दूसरा, ऐसे सीड जिनके पास एनर्जी ज्यादा नहीं होती है, तो उनके सीड क्या होता है कि बाहर आ जाता है। इनका जो हाइपोकोटाइल है वो एक लिमिट से ज्यादा तेजी से ग्रो करता है, और वो सीड को लेकर जमीन के बाहर निकल आता है, और सीड क्या करता है हरा हो जाता है। इसमें कलर नहीं दिखाया, लेकिन जनरली सीड जो है वो हरा हो जाता है स्टार्टिंग फेज में, जब पत्तियां नहीं आती तब भी फोटोसिंथेसिस कर देता है, जिससे जो इनिशियल एनर्जी रिक्वायर है वो सप्लाई कर दे। तो इसे हम बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। और ये जनरली जो अपने आप की है एल्बिजिया फैमिली जो है, ये आप गवर्नमेंट में काफी अच्छा होता है, और ये टीक में हो रहा है। ये यहाँ जहाँ साल था वो यहाँ टीक है एपीजियल में। ये टीक और साल को थोड़ा ध्यान रखना होता है, और यहाँ टीक और बंबू को याद रखना होता है। तो ये एपीजियल और हाइपोजियल हो गया। तो एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है इसके एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में। सीट के जो ऊपर का है वो एपिकोटाइल और नीचे का है हाइपोकोटाइल। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपन आगे के दो टेस्ट देखेंगे और स्लाइड खत्म हो जाएगी। सीड जर्मिनेशन इन विच द कोटिलेडन अपीयर अबव द सरफेस, मतलब सीड जर्मिनेशन जिसमें सीड कोटिलेडन है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो क्या हो गया एपीजीएल। टाइप ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड वेयर कोटिलेडन इमर्ज आउट ऑफ सोयल, क्या एपीजीएल। अपने जो दो टेस्ट थे इसमें एक वायबिलिटी है एक मॉइस्चर है, उसे देख लेते हैं। तो वायबिलिटी मतलब सीड जिंदा है या नहीं है, मतलब उसका सीड का जिंदा पार्ट का होता है एम्ब्रियो। तो इसमें हम यूजुअली क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं आज के टाइम पर, उनमें से हम यूजुअली दो टेस्ट यूज करते हैं, एक एक्सरे है और तीसरा टेट्राजोलियम है। जो आईसीआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को जो अपने एग्रीकल्चर में होते हैं, तो ये सीड टैग जो एग्रीकल्चर वाली है, थोड़े उसकी वो सर्टिफाइड सीड वगैरह जो होते हैं ना, जैसे सीड के जो टैगिंग वगैरह होगी वो भी ध्यान देना होगा हमें। और इसमें जो सीड टेस्ट दो तीन टेस्ट और होंगे उनको भी देख लेना होता है एक बार, क्योंकि आईसीआर में आ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ सिविल में ऐसे नहीं आते क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक तो जो कॉमन है वो है टेट्राजोलियम टेस्ट, और दूसरा है एक्सरे टेस्ट, उसमें एक एक्साइज एम्ब्रियो टेस्ट भी होता है। तो यहाँ टेट्राजोलियम टेस्ट है, इसी को याद रखना है। मैं बेसिकली ये होता क्या है, टेट्राजोलियम एक ये 2,4,3 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम एक केमिकल होता है। तो केमिकल है क्या होता है कि जैसे सीड लिया, सीड को इस केमिकल में डाल दिया, तो सीड क्या करेगा इस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सीड का एब्जॉर्ब क्या पार्ट करेगा, उसका एम्ब्रियो जो करेगा, क्योंकि जिंदा पार्ट तो एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो जब इस पार्ट को सोख लेगा तो एम्ब्रियो का जो कलर है वो थोड़ा पिंक रेड टाइप का हो जाता है। तो किस टाइप का हो गया, रेड इन कलर ही है हल्का। तो जब कलर हो गया इसका मतलब है ये एम्ब्रियो इसका जिंदा है। तो हमने काउंट कर लिया कि 100 सीड में से कितने सीड जिंदा है, आपको निकल गया कितने सीड वायबल यानी कि जिंदा है। और अगर मान के चलो ये पिंक नहीं हुआ, इसका मतलब उसने उस वाटर जो था जिसमें ये टेट्राजोलियम मिला था तो उसे एब्जॉर्ब नहीं किया सीड ने, मतलब क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका एम्ब्रियो डेड कर चुका था। दूसरा एक्सरे टेस्ट भी, उससे भी आसानी से निकल आता है एक्सरे से। इसमें क्वेश्चन ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग थ्री सीड हैज द लोएस्ट सीड वायबिलिटी। अच्छा ये तो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, वो अपना था कि जो रायना। इसके बाद लास्ट मुद्दा बचता है, वो आता है अपना मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट। इसका जनरली अपन को ये फॉर्मूला पता होता है और कैसे करना होता है ये निकालना होता है। करते क्या है कि सिंपली हम सीड पकड़ते हैं, सपोज एक लॉट ले लिया और इसका हमने पहले वेट ले लिया, जो भी वेट है हमने वेट ले लिया। इसके बाद ये बड़ा सा ओवन होता है फॉरेस्ट्री में, ये सीड को उसमें ओवन में रख दिया 2-3 घंटे के लिए, कितने पे 105 डिग्री पे। 105 पे क्या, 100 पे तो वाटर बॉयल होगा, उड़ेगा थोड़ी। तो 100 के ऊपर जब जाएंगे तो वाटर एवेपोरेट होगा, इसका मतलब 105 करेंगे तो इसके सीड कोट से धीरे धीरे वाटर निकलेगा,
क्योंकि हर सीड कौन होती है तो मॉइस्चर धीरे धीरे लॉस हो पाती है। तो 105 में कर दिया, धीरे 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 करके ये सीड से जो मॉइस्चर है वो लॉस होती जाएगी। और एक टाइम के बाद फिर हम जब मॉइस्चर ड्राई हो चुका होगा तो यहाँ पर हो गया ड्राई। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये सीड तो वही रहा, लेकिन अब इसका जो वजन कम हुआ वो एक्चुअली क्या क्या कम हुआ, उसकी मॉइस्चर। तो अगर मॉइस्चर को अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो तो फिर इसका फॉर्मूला ये कि हमने यहाँ पर वेट वाला पहले का वजन ले लिया माइनस बाद का वजन, तो यहाँ से डिफरेंस निकल गया कि भाई कितना वजन कम हुआ आउट ऑफ टोटल वजन, टोटल में से कितना कम हुआ वो परसेंटेज में निकल आया। यहाँ पर अपना मॉइस्चर कंटेंट वाला इशू निकल आता है। तो मॉइस्चर कंटेंट निकालने के बाद यहाँ पर अपने जो पार्ट था वो खत्म हो गया। यहाँ पर जो एक पार्ट है, क्वेश्चन है, केवल आईसीआर वालों की सेंस का और किसी का है नहीं। उन्होंने इसमें क्या है कि किसने ये क्लासिफाई किया था, ये जो सीड है किसने क्लासिफाई किया सीड को माइक्रोनीज और मैक्रोबायोटिक के टाइम, ये क्वेश्चन क्यों आया है, इसको याद रखे ना रखे कोई इंपोर्टेंस नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि आईसीआर एग्रीकल्चर से लिंकेज है और एग्रीकल्चर में सीड टेक काफी ज्यादा एडवांस है और वहां पर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उधर के क्वेश्चन कभी कभी इधर मूव कर जाते हैं। इसलिए बोला इस टाइप के क्वेश्चन केवल आईसीआर वालों का लिखना और किसी के काम के नहीं। यहाँ पर अपना जो सी टेक वाला पार्ट है वो हो जाता है खत्म।